नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पर्वतराज हिमालय के करपुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल यानी कि पत्थर से हुआ, इसलिए उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा का पाठ जरूरी करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत। शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे की कथा यह है कि एक बार प्रजापति दक्ष जो कि सती माता के पिता जी ने यज्ञ किया और सभी देवता को आमंत्रित किया। दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में सती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं, लेकिन जब वे नहीं मानी तो शिव ने उन्हें इजाजत दे दी। जब सती पिता के यहाँ पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पिता का अपमान सुनकर वे क्रोध हो गईं। शोक, ग्लानी और क्रोध में उन्होंने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। यह समाचार सुन भगवान शिव ने अपने गुणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है।